राजस्थान के जोधपुर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और बदमाश पूरी तरह से बेखौफ नजर आते हैं। हालात ये हैं कि दिन दिहाड़े राह चलती लड़कियों को भी बदमाश छेड़ते नजर आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सुखानंद बगीची से सामने आया है, जहां एक बदमाश की लड़कियों को छेड़ते हुए तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि एक युवती गली से निकल रही है और ये गली बेहद ही तंग है। इसी दौरान बदमाश आता है और पीछे से युवती को दबोच लेता है। जब तक युवती कुछ समझ पाती है, बदमाश फरार हो जाता है। और ऐसा बदमाश एक बार नहीं करता। दूसरा वीडियो देखिए, एक और युवती उसी गली से गुजर रही है, फिर से युवती के पीछे ये बदमाश दबे पांव जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। इस वीडियो में ये युवती उसके पीछे भागती है, लेकिन वो हाथ से निकल जाता है। इसी मामले को लेकर सुखानंद बगीची क्षेत्र के निवासियों ने मंगलवार को खंडा फलसा थाना अधिकारी को सामूहिक रूप से एक ज्ञापन देकर बताया था कि एक युवक गलियों से निकलने वाली युवतियों को जबरन पकड़ने की कोशिश करता रहता है। ऐसी घटनाएं सीसीटीवी में भी कैद हो चुकी हैं। 27 मार्च को भी ऐसा ही हुआ। क्षेत्रवासियों ने पुलिस को फुटेज भी उपलब्ध करवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को इस युवक को हिरासत में ले लिया। थाना अधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि क्षेत्रवासियों से मिली जानकारी के आधार पर युवक हाबित को हिरासत में ले लिया गया है। उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। युवक थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। दरअसल सुखानंद बगीचे के आसपास के इलाके में छोटी और तंग गलियां हैं, जहां से महिलाएं और युवतियां निकलती हैं। ऐसे में सुनसान गली में अकेली युवती को देखकर युवक उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। ये सुखानंद जी की बगीची जो खंडापलसा थाना क्षेत्र में आती है, वहाँ के कुछ लोगों ने कल हमें शाम को एक परिवाद दिया था सामूहिक रूप से कि कोई ऐसा युवक है जो इस तरह से आती जाती बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करता है। तो उस पर हमने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए आज सुबह ही हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया था, लेकिन लड़का इधर उधर कहीं घर से बाहर था और अभी हमने हमारी टीम ने इसको दस्तयाब कर दिया है। आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े इलाके में इस तरह की हिम्मत अकेले इस बदमाश ने दिखाई, जिससे साबित होता है कि बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, जो कि पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। और महिलाएं जोधपुर में कितनी सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।